साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग घोषणा कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बातें 2008 में की गई थी, लेकिन इसे पूरा हमारी सरकार ने 2018 में किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्षों से लटका था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे समय पर पूरा करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, हम टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत जानते हैं और यही कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय में पूरा किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज
21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। इन कामों के पीछे लंबी प्लानिंग लगती है, दिन रात की मेहनत लगती है। ये काम विकास के विजन से होते हैं, ये काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्षों में विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वो अब तेजी से भरे जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला है और ये मोदी की गारंटी है।